नमस्कार। राजस्थान को लेकर के दिल्ली में एक मीटिंग चल रही है। आज इस मीटिंग में क्या फैसला होने वाला है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपसे चर्चा इस पर करने वाला हूं कि इस मीटिंग के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। आखिर एक ऐसी अदावत कांग्रेस पार्टी के भीतर राजस्थान में, जो एक अदावत थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट में। अशोक गहलोत का वर्किंग स्टाइल जो भी लोग जानते होंगे राजस्थान में, उनको पता है कि अशोक गहलोत के शब्दकोश में माफी शब्द नहीं है। वो एक इंच जमीन न देने वाले सिद्धांत पे चलते हैं कि अगर प्रतिद्वंदी है, अदावत है, दुश्मनी है, बगावत है, कुछ भी है जो अशोक गहलोत को नहीं पसंद है, तो वो एक इंच जमीन देने को तैयार नहीं होते। फिर आखिर ऐसा फॉर्मूला निकालने के लिए अशोक गहलोत क्यों तैयार हो गए कि कोई एक फॉर्मूला निकले। सचिन पायलट भी पदयात्राओं के बाद, तमाम आरोपों के बाद अब बैठे हैं साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं अशोक गहलोत खुद। और ऐसी स्थिति भी हो गई बैठक में, जब 5 मिनट के लिए मीडिया को फोटो और वीडियो बनाने की अनुमति दी राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति हुई कि सचिन पायलट हंस भी पड़े। जब राहुल गांधी ने कहा पत्रकारों से कि भाई गहलोत जी भी मीटिंग में है, लैपटॉप में दिखाओ, तभी कुछ नेताओं ने कहा अरे बड़ी स्क्रीन लगी है सर, उस पर भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में जयपुर में बैठे गहलोत साहब भी मुस्कुरा दिए, सचिन पायलट भी हंस पड़े। ये सारी जो गुड़ा गणित बनाने की एक कोशिश, एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश है कि जरूरत क्यों पड़ी। क्या कांग्रेस को ये पता चल गया था कि राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करने वाली है, इतिहास बदलने वाली है? जी हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही है। मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ। ये दरअसल इस पूरी बैठक के पीछे जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, बार बार खड़गे साहब, राहुल गांधी सब इस कोशिश में हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ हो जाएं। उसके पीछे दरअसल दो सर्वे हैं। ये दो सर्वे राजस्थान में हुए हैं। चुनाव से पहले ये सर्वे किसने करवाए, ये भी मैं सीधा बताता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात। ये वीडियो बड़ा करने के लिए, इन्फॉर्मेशन बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बातों को खींचने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों सर्वे एक अशोक गहलोत ने खुद कराया। ये राजस्थान के जमीनी पत्रकारों और जमीनी राजनीतिक विश्लेषकों की सूचना है, जो सूत्रों से खबर निकल करके आई। ये इंटरनल सर्वे होते हैं, ये सर्वे भास्कर में, जागरण में या बाकी किसी अखबार में नहीं छपते हैं। और ऐसे सर्वे जिसमें भाजपा के लिए नतीजे, बुरे नतीजे दिख रहे हों, गोदी मीडिया तो वैसे भी नहीं दिखाता, इंटरनल सर्वे भी नहीं दिखाएगा। लेकिन ये सर्वे हुए और अशोक गहलोत ने भी अपने स्तर पे करवाया। अशोक गहलोत का नेटवर्क, किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि 24x7 नेता होते हैं ना, जो 24x7 ऐसे राजनेता हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने अपने नेटवर्क से करवाया एक सर्वे और कांग्रेस ने भी एक इंटरनल सर्वे करवाया। दोनों सर्वे में जो बात आई सामने, दोनों सर्वे में एक बात कॉमन थी। कॉमन ये बात थी कि अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों हाथ में हाथ मिला करके कांग्रेस का जो हाथ है उसको मजबूत करने की कवायद करते हैं, तो राजस्थान में पिछले 2 दशक से चल रहा जो ट्रेंड है कि 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, यानी सरकार रिपीट नहीं होने का जो चला आ रहा ट्रेंड है, ये ट्रेंड टूट जाएगा और दोबारा फिर से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बन जाएगी। दोनों सर्वे में ये बात आई। अब सर्वे में कुछ और बातें हैं
जिन बातों को लेकर के कांग्रेस थिंक टैंक ने सचिन पायलट को भी समझाया है, अशोक गहलोत को भी समझाया है। गहलोत वैसे भी समझदार परिपक्व नेता है, हालांकि सचिन पायलट भी युवा हैं लेकिन परिपक्वता उनमें है। इसीलिए तमाम अटकलों के बावजूद कि आज नई पार्टी का ऐलान करेंगे, इस दिन नई पार्टी का ऐलान करेंगे, इस दिन कुछ बड़ा करने वाले हैं, तमाम मीडिया में वो जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, उस दिन कई बार आपने सुना होगा कि आज बिल्कुल कांग्रेस से सचिन पायलट अलग हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए अलग। इसलिए दोनों को ये बात समझ में आई जो सर्वे में कुछ बातें निकल के आई थी। वो बातें क्या थी? दरअसल संगठन पर और पूरे राजस्थान में गहलोत की मजबूत पकड़ निकल करके सामने आई, लेकिन गहलोत की पकड़ को विजय में बदलने के लिए सचिन पायलट की जरूरत थी। क्योंकि सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान के करीब 8 से 10 जिले या दर्जन भर जिले ऐसे हैं जिनमें राजेश पायलट कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, सचिन पायलट के स्वर्गीय पिता, उनका प्रभाव था। अब सचिन पायलट का प्रभाव और अच्छा खासा प्रभाव है। जैसे वो जिले बताऊं आपको, टोंक है, दौसा है, भीलवाड़ा है, धौलपुर है, करौली है, झुंझुनू है, अलवर है, झालावाड़ है, राजसमंद है, कोटा है, ये सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अच्छी खासी पकड़ है। और करीब 40 सीटें ऐसी हैं, 40 से 45 सीटें ऐसी हैं राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान की तरफ की, जो अगर सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ हाथ से हाथ मिला करके चुनाव लड़ गए तो बीजेपी के लिए जीतना वहां से बहुत मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन के करीब है। ये आंकड़ों के में भी, मैं इस तस्वीर को आंकड़ों में भी साफ कर देता हूं। ये जो इलाका है, इस इलाके में करीब 12-13 सीटें ऐसी हैं जो गुर्जर बाहुल्य हैं, जहां का नतीजा गुर्जर मतदाता तय करता है, और करीब 24-25 सीटें ऐसी हैं जहां पर गुर्जर मतदाता या तो 2 नंबर पे या 3 नंबर पे है, यानी निर्णायक भूमिका वहां भी निभाता है। तो करीब सिर्फ गुर्जर समुदाय, जो सचिन पायलट जहां से जिस समुदाय से आते हैं और जिसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता इस समय राजस्थान में हैं, करीब 36 से 40 सीटें तो उसी गुर्जर समुदाय के प्रभाव वाली हैं। अच्छा, नतीजों में रिफ्लेक्ट ये कैसे किया है, ये भी आप आंकड़ों से समझ लीजिए। 2013 के चुनाव में इस इलाके में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी, इस क्षेत्र में 44 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 44 सीटें, 44। और 2018 में, पता है आपको, 2018 में, पहले बता दूं, 2018 के चुनाव में पीसीसी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट थे, सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव में कांग्रेस गई थी। और सचिन पायलट के प्रभाव वाले क्षेत्रों में, जहां पर 2013 में 44 सीट बीजेपी जीती थी, वहां पे 2018 में 11 सीटों पर सिमट गई, 33 सीटों का नुकसान हुआ वहां पर। इसीलिए जो सर्वे में निकल कर बात आई कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ अगर हैं और खुले दिल से दोनों चुनाव में साथ चलते हैं, तो सारा पुराना ट्रेंड टूट जाएगा और कांग्रेस राजस्थान में रिपीट होगी। अब आपको एक और समीकरण बताते हैं। अगर सचिन पायलट, जिस बात की चर्चा बार बार हो रही थी कि सचिन पायलट अलग पार्टी बना लेते हैं, अगर सचिन पायलट अलग जाते तो कांग्रेस को नुकसान ज्यादा होता और भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाने में कामयाब हो सकती थी। अब देखिए, बैठक चल रही है, इस बैठक में कुल मिला के 3 फॉर्मूले चर्चा में जो हैं, 3 फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है कि दोबारा पीसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया जाए सचिन पायलट को, इलेक्शन कमेटी का, इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी का
चेयरमैन बना दिया जाए या दोबारा डिप्टी सीएम बना दिया जाए। ये फॉर्मूला जो है छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक जो अभी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जुगलबंदी से जो फॉर्मूला निकला छत्तीसगढ़ के लिए, जहां टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया चुनाव से पहले, सरकार बनने के समय से ही छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, हालांकि उनको अहम मंत्रालय दिया गया, लेकिन चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने वहां डिप्टी सीएम बना दिया। और बड़ी बात यह हुई कांग्रेस के लिए एक और एग्जाम्पल, वो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की समझाइश का नतीजा था या टीएस सिंहदेव का बड़ा दिल, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए और राज्य में बैठे छत्रपों के लिए छत्तीसगढ़ से एक संदेश भी निकल गया। टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए इंटरव्यू में सीधा कहा एक इस सवाल पर कि इस चुनाव में कांग्रेस दोबारा सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। टीएस सिंहदेव ने साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही होंगे। तो ये जो जोड़ी एक फॉर्मूला बना और उस फॉर्मूले को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी ने आगे बढ़ाया, अगर उस निष्कर्ष तक राजस्थान में कांग्रेस पहुंच पाती है तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये दोनों की बड़ी कामयाबी होगी, और उससे भी बड़ी कामयाबी फिर राजस्थान में जश्न मनाने का मौका कांग्रेस को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो अभी भी वसुंधरा राजे को खुलकर चेहरा बनाने से हिचक रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान से एक बार फिर कर्नाटक के बाद बुरी खबर आएगी। अब राजस्थान में वसुंधरा राजे और बीजेपी के बीच का पेच क्या है और भाजपा के लिए कितनी चुनौतियां हैं, क्या मुश्किल है, और वसुंधरा को भाषण तो अमित शाह मंच से देने का मौका देते हैं लेकिन नाम आगे नहीं करते हैं मुख्यमंत्री के लिए, इस सबके पीछे क्या खेल है ये भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।